अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लेके आए हैं नई रेसिपी चिकन कढ़ाई की। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सामान पड़ेगा। देखिए, चिकन है हाफ के जी, दो टमाटर है बड़े, तीन बड़ी प्याज है, इसको हम चॉप कर लिया है प्याज को। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 चम्मच, और ये जो है हरी मिर्ची और अदरक जूलियन है, दही 2 चम्मच बड़े हैं, 1 टीस्पून चम्मच धनिया पाउडर है, गरम मसाला हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, हरी धनिया, नमक, और ये है चिकन मसाला। आइए बनाते हैं। देखिए, कढ़ाई गर्म हो गई, अब इसमें हम तेल डालते हैं। हम देखिए सरसों के तेल में बना रहे हैं, आप इसको घी में बना सकते हैं। तेल गर्म हो जाता है तब फिर हम इसमें आगे बताते हैं। देखिए, तेल जो है थोड़ा सा इसमें कढ़ाई में ज़्यादा लगता है, इसलिए आप 2 बड़े चम्मच डालिएगा। हम तो 2 बड़े चम्मच देखिए डाले हैं, आप घी डालिएगा तो वो भी 2 ही बड़े चम्मच डालिएगा। तेल गर्म हो जाता है तब फिर देखते हैं। देखिए, तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम ये प्याज डालते हैं। प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा बस सौटे करके निकाल लेना है। देखिए, ये प्याज जो है इतनी हमने लाल कर ली है, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। अब ये थोड़ा हो गया तो इसको हम इसको निकाल के ठंडा करेंगे, तो इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, ये चिकन अब हम उसी जिस कढ़ाई में हमने प्याज लाल किया था उस कढ़ाई में अब ये चिकन डालते हैं। इसको हम चिकन को पहले इसी तेल में फ्राई कर लेंगे, खूब अच्छे से इतना फ्राई करना है इसमें कि कलर चेंज हो जाए। फुल आँच पे इसको फ्राई करना है, स्लो आँच नहीं करना है। इसको खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे, आगे बताते हैं। चिकन ये भुन गया है, अब इतना अच्छे से कलर चेंज हो गया। अब इसमें हमने दही डालना है। ये देखिए, हमने 3 चम्मच बड़े इस वाले चम्मच से 3 चम्मच दही डाला हमने। अब इसको खूब अब दही डाल के फिर भूनेंगे इसको, इतना भूनेंगे कि इसका दही का जो पानी छूटेगा वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। तब उसके बाद जो है इसको फिर आँच इसको आपने स्लो नहीं करना है, फुल आँच पे ही इसको भूनना है। दही डाल के भी आप ऐसे चलाते रहिएगा क्योंकि ये दही फट ना जाए। देखिए, ये जो है इसमें हमने दही डाला था वो अब सूख गया है, ये हमने इसका पानी देखिए जल गया है। अब इसमें हम लहसुन अदरक डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था 1.5 चम्मच, वही हमने डाल दिया इसमें। अब इसको जो है इस लहसुन अदरक में भूनेंगे थोड़ी देर, इसमें 2 मिनट इसमें लहसुन अदरक में भूनेंगे। ये लहसुन अदरक डाल के 2 मिनट हमने इसको भूना है। अब इसमें हम टमाटर डालते हैं। ये टमाटर डालने के बाद हम इसको जो है इसको चलाएंगे 2 बार 3 बार, उसके बाद इसको स्लो आंच पे रख देंगे थोड़ा देर कि इसके टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। लिड लगा देंगे कि ये हो गया। अब हम इसको जो है चलाते हैं, इसका जो है टमाटर जो है गल गया है। अब इसकी जो टमाटर की स्किन निकाल लेते हैं। देखिए, टमाटर की जो है स्किन ये देखिए ऐसे आराम से निकल जाती है। टमाटर देखिए गल गया है, अब इसकी स्किन हमें निकालना है। इसकी स्किन देखिए आराम से निकल जा रही है, इतने ही टमाटर हमको अभी पकाना था तो कि स्किन निकाल दें इसकी। गल गया है टमाटर, अब स्किन निकाल देते हैं, फिर इसमें मसाले डालते हैं। देखिए, टमाटर सारा जो हमने स्किन निकाल लिया है, टमाटर निकाल स्किन निकालने के बाद इसको जो है ऐसे मैश कर देंगे ऐसी स्पैचुला से। अब इसमें जो है हम मसाले डालते हैं। पहले इसमें हम नमक डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। इसमें हल्दी डालते हैं, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चिकन मसाला, इसको जो है मिक्स करते हैं। अभी देखिए इसमें जो है टमाटर और अभी गलना है और थोड़ा, तो इसलिए इसको चला के अब इसमें अगर आपको लगे कि इसमें जो है पानी नहीं है, ये सूख गया है एकदम, तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं। अगर अभी देखिए हमको ये जो है बहुत ज़्यादा सूखा लग रहा है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी, कभी कभी ऐसा होता है टमाटर और दही का जो है पानी रहता है तो उसमें भी पक जाता है, मगर अभी ये देखिए थोड़ा सा लग रहा है तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच बस, 2 या 3 चम्मच आप पानी डाल दीजिए इसमें। देखिए इतना सा बस थोड़ा पानी डाला हमने 2-3 चम्मच। अब इसको जो है चला के फिर स्लो आँच पे रख देंगे। अब इसको तेज़ आँच पे नहीं रखना है, अब स्लो आँच पे रखना है इसको थोड़ा देर के लिए, बस 2 मिनट के लिए इसको स्लो आँच पे रखना है कि मसाले जो है एकदम नमक और मसाले एकदम उसमें हो जाए, पैन में मिक्स हो जाए। रख देते हैं, इसको हमने खोला है ढक्कन, इसको हटा दिया हमने। अब इसको चला के देखते हैं कि ये कितना मसाला हो गया। देखिए मसाला हो गया है, अब इसको जो है हम इसमें जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था उसको हम डालते हैं। अब इसमें हमने फ्राई किया था उसको इसके ग्राइंड कर लिया है, अब इसको डालते हैं हम इसमें। इसको डाल के चला लेते हैं खूब अच्छे से। और आपको कितनी जो है इसमें पानी, आपको ग्रेवी कैसी चाहिए, गाढ़ी चाहिए, वैसे ये भुना ही भुना रहता है, मगर आपके ऊपर है कि आप चिकन कढ़ाई में कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। हम इसको भुना ही भुना रखेंगे इसलिए पानी नहीं डाल रहे हैं, हम इसमें ऐसे ही रखेंगे। अब इसको खूब अच्छे से मिक्स करके आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, हमने तो जो डाला है उसमें ठीक है नमक।
इसको फिर 2 मिनट फिर चलाएंगे। स्लो आँच पे अब हमने रख दिया इसको, क्योंकि जो प्याज थी पिसी हुई उसमें थोड़ा सा पानी था ना, उसकी वजह से इसको 2 मिनट और भून के तो ढक के देंगे 2 मिनट और। उसके बाद 2 मिनट बाद इसको फिर देखते हैं। देखिए अब ये हो गया है, इसको ये देख लेते हैं, ये गल गया है एकदम। देखिए एकदम अच्छा खूब गल गया है। अब इसको जो है हम धनिया गार्निश करते हैं, जो है अदरक पतली पतली काट के जूलियन डालते हैं। आपके हिसाब से आप अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्ची इसमें हमने, अगर आप लोग खाते हो तो डालिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। एकदम तैयार है चिकन कढ़ाई, आप लोग इसको बनाइएगा और गरम गरम खाइएगा, कुलचे के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ। और हमको अपना जो है फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको। अल्लाह हाफिज़।